नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आप सभी के साथ आपके इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में फिर से एक नई श्रृंखला लेकर के आ गया हूं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। इसमें आपका वीडियो का और लोअर पीसीएस या फिर करना पर्यवेक्षक या जितने भी एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एससी से कंडक्ट होते हैं उन सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में लिखा है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, सारे बच्चे आंसर करें इसको। ये लिखा हुआ है, यदि पहेली का संबंध समाधान से है तो चिन्हित किए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर में से कौन सा शब्द आ सकता है। प्यारे बच्चों, ये है आपका एनालॉजी का क्वेश्चन। ये इसके कहने का मतलब ये है कि पहेली का संबंध समाधान से जिस प्रकार से है ठीक उसी प्रकार से निबंध का संबंध किससे होगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल बात है, एकदम सिंपल। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहेली का संबंध समाधान से है, पहेली उलझी हुई होती है, उसको सुलझाना पड़ता है, यानी समाधान देना पड़ता है, समाधान करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि जो निबंध है उसको क्या करना पड़ेगा। तो निबंध को हल तो करना नहीं पड़ता है कि निबंध मैथमेटिक्स का सवाल है, इसको सॉर्ट आउट करोगे, ये लिखवाना नहीं पड़ता है, अनुवाचन नहीं करना पड़ता है, निबंध को लिखना पड़ता है। निबंध को क्या करना होता है, लिखना होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इजी रहेगा। तो प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है, सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर करें जल्दी से और लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन मैं ला दूं आपके सामने जल्दी से, फास्ट। सारे लोग पेन और पेपर लेके बैठे होंगे, उम्मीद करता हूं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, सारे बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगी। कहने का मतलब ये हो रहा है कि इनके बीच में जो रिलेशन है 11 से 120 कैसे आ गया, ठीक वही रिलेशन यहाँ आपको बताना है, वैसे ही रिलेशन बताना है। तो यहाँ देखिए, पहली जोड़ी आपकी ये है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो दूसरी जोड़ी में बताना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूँ 11 की, ठीक है, तो 11 जो है अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाता है 121, माइनस 1 कर दीजिए कितना हो जाएगा 120, कितना होगा 120। अगर बात किया जाए 15 की, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 फिर माइनस 1 कर दीजिए कितना हो जाएगा 224। तो पहली जोड़ी का रिलेशन जिस प्रकार से 120 आया है, दूसरी जोड़ी को हम लोग ठीक वैसे ही कर दिए हैं, कितना आ गया 124। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, 124 इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप ये भी समझ गए होंगे 124 कहां से आ रहा है। तो रेडी रहिए अगले क्वेश्चंस के लिए सारे बच्चे, अगला क्वेश्चन आने वाला है जल्दी, फास्ट आ गया। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करें, फास्ट। क्वेश्चन का नंबर गड़बड़ है, 8 नंबर आ गया सीधे, 2 नंबर था, कोई बात नहीं, 2 नंबर गड़बड़ है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन। लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगी। एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कहने का मतलब यह हो रहा है कि इनके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहां पर सेट कर दीजिए। प्यारे बच्चों, इनके बीच में जल्दी से बताएं कौन सा रिलेशन है, वही रिलेशन बताएं किन ऑप्शंस में है, फास्ट और तेज, फास्ट फास्ट। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करें आंसर। चलिए मैं बताता हूं, देखिए ये लिखा हुआ है आपका 13 और ये लिखा हुआ है कितना 12, माइनस 1 किया, क्या किया है माइनस 1 किया। ये लिखा हुआ है 27, ये लिखा 26, क्या किया माइनस 1 किया। ये लिखा हुआ 7, ये लिखा हुआ 6, क्या किया माइनस 1 किया। 9 से 8 माइनस 1 किया, 6 से भी माइनस 1 किया, समझ गए।
सब में माइनस वन किया हुआ है तो आप भी वही कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए माइनस वन पीछे से करना, तो माइनस वन पीछे से करो तो कितना हो जाएगा एम, फिर कितना हो जाएगा एच, फिर कितना हो जाएगा आपका 27 जेड हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा पी, सब में माइनस वन किया गया है तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ जाएगा आपका एन में माइनस वन करोगे एम हो जाएगा, आई में माइनस एक करोगे एच हो जाएगा, बी में माइनस वन करोगे ए हो जाएगा, बी में माइनस वन करोगे कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, बी में माइनस वन करोगे ए हो जाएगा, फिर आप ए में माइनस वन करोगे जेड हो जाएगा, सी में माइनस वन कर देंगे कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो होगा एम एच ए जेड बी, एम एच ए जेड बी इट्स योर आंसर, क्लियर। तो अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो जल्दी से सारे बच्चे लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से फास्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज का क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर कर दें फटाफट जल्दी से फास्ट फटाफट आंसर करें सभी लोग, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखिए लिखा हुआ है बच्चों जैन 24, फिर लिखा है एल ई के लैक 24, फिर नी एन आई आई 24, पी ओ जी 38, आर यू ई 44, टी ए सी 24, तो अगला कौन सा स्टेप आने वाला है इस सीरीज में, आप इनसे ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि अगले में क्या होगा जब तक इनके नंबर्स को ना जोड़ करके आप पकड़ें। देखिए जैसे 10 लिखा हुआ है, 10 दो 12 हो गया, फिर 12 दो 14 हो गया, 14 दो 16 हो गया, 16 दो 18, 18 दो 20, 20 दो 22, तो 20 तो सब स्टार्ट है ना, तो ऐसे नहीं समझ पाओगे। इसको समझने के लिए सिंपल सा तरीका है, ये यूपी ट्रिपल एससी में जो लोअर का एग्जाम करवाया था लोअर टीसीएस का, ये वहां का क्वेश्चन, देखो एकदम सिंपल तरीके से इसको आप कर सकते हैं आसानी से। बस ये लिखा हुआ जे, जे का मतलब हो गया 10 और ए का मतलब हो गया 1 और एम का मतलब हो गया 13, अगर इन सब को हम जोड़ लें 13 14 14 10 24, यहां देखो लिखा हुआ, फिर 12 12 और 12 और 5 17 17 और 11 कितना 28, 9 9 18 18 14 32, तो आप देख पा रहे होंगे कि इनके स्थानीय मान को जोड़ दिया जाए जो नंबर्स लिखे हैं वो मिल जाते हैं, तो बस ऑप्शन यही से तुरंत चेक कर लो। 22 22 3 कितना हो जाएगा 25, 22 और 3 कितना 25, यहाँ कितना लिखा है 26, इसलिए क्या होगा गलत होगा, फिर 22 और 1 कितना 23, 23 और 5 कितना 28, 23 5 कितना 28, 28 लिखा है अभी तक सही है, आगे चेक करता हूँ, 22 और 2 कितना 24, 24 और 5 कितना 24 और 5, ये 30 लिखा है, 24 और 5 कितना हो जाएगा, फिर ये लिखा 22 2 24 24 और 5 29, फिर ये लिखा है V 22 और 1 23 23 और 5 कितना 28 ना कि 32, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए इनका जोड़ 24, इनका जोड़ 28, इनका 32, इनका 38, इनका 24, इनका 44, इसी प्रकार इसका जोड़ कितना 28। अगला क्वेश्चन सुना दूं, सारे बच्चे एक बार लाइक करें फिर अगला क्वेश्चन सुना दूं जल्दी से फास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा निम्नलिखित में असंगत पद का चयन कीजिए, असंगत पद बताना है बच्चों जल्दी से बताइए सारे लोग, इट इज अ वेरी सिंपल। कह रहा है असंगत, यानी कि असंगत का मतलब चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तीन ऑप्शन किसी न किसी एक प्रकार से समान हैं और एक अलग है, जो अलग है वही आपको बताना है। देखिए ये लिखा है डी के अपोजिट में डब्ल्यू लिखा हुआ है, फिर उसमें माइनस वन करके डी लिखा हुआ, क्या लिखा है, पहले डी लिखा है, डी के अपोजिट होता है डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू में माइनस वन करके डी लिखा हुआ, तो आपका बना क्या डी वी डब्ल्यू, फिर जीएसटी लिखा हुआ है, तो जी जी के अपोजिट में टी होता है, अपोजिट में फिर इसमें अगर माइनस वन कर दे तो ऐसे जाएगा जीएसटी हो गया, फिर आपका जेपी क्यू लिखा है, जे पी क्यू,
जे के अपोजिट में क्यू होता है माइनस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अगर ऑप्शन नेक्स्ट की बात करूं तो एम के अपोजिट में एन नहीं होता है, एम के अपोजिट में एन नहीं होता है बल्कि यहाँ होता है ये एम के अपोजिट में एन लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्डर गलत है, यही गलत है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट पार्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे अलग है, इसमें इसमें और इसमें पहले दूसरे और तीसरे में जो नियम लगा है वो चौथे में नहीं लगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन ला देता हूँ, जल्दी से करिए सारे बच्चे फास्ट, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया, सारे बच्चे कमेंट करें फास्ट, कोडिंग का क्वेश्चन है, सारे लोग जल्दी से आंसर करें, जल्दी जल्दी और तेज। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ टेबल, सारे बच्चे ध्यान देंगे, टेबल लिखा हुआ टेबल टी ए बी एल ई, टेबल को बी ई एन डी बी ई डी बी ई टी एन आई लिखा हुआ, लेकिन एक और दिया है, क्या दिया है, चेयर को ये लिखा जाता है सी एच ए आई आर, चेयर को ई जे आपसे पूछ रहा है बेंच को क्या लिखा, बेंच कमेंट करिए जल्दी से, सारे बच्चे आंसर करें, कोडिंग का क्वेश्चन है, सिंपल वाला क्वेश्चन है, सारे लोग आंसर करें। देखिए बताता हूं, अब ध्यान से देखिए, जे टी है, टी में क्या किया है प्लस दो, क्या किया है प्लस दो, क्या किया है प्लस दो, फिर ये ए आपका स्वर है, स्वर को छोड़ देता हूं, ये भी स्वर है छोड़ देता, तो बी में दो बढ़ा दिया डी कर दिया, एल में दो बढ़ा दिया बारह दो चौदह कर दिया, ठीक है। अब ए है, आपके स्वर कितने होते हैं पांच, ए ई आई ओ यू, पांच स्वर आपके होते हैं ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर देखिए ए के बाद क्या आता है ई, ए के बाद वाला कर दिया, यहाँ ई के बाद क्या आता है आई, ई के बाद आई, यहाँ चेक करता हूँ क्या यही नियम यहाँ भी लगा है, ये लिखा है सी, तो सी में दो बढ़ा दीजिए कितना फाइव, आठ में दो बढ़ा दीजिए दस, ये स्वर है छोड़ दीजिए, स्वर है छोड़ दीजिए, अठारह में दो बढ़ा दीजिए बीस, यहाँ तक तो सही है, आगे चेक कर लेता हूँ, ये स्वर था ए, ए के बाद क्या आता है ई, ये भी सही है, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद देख लीजिए आई के बाद ओ आता है, यहाँ ओ लिखा है। कहने का मतलब यह है कि जो आपके वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स उनमें आपका वैसे लिखा हुआ है टू करके, और जो कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट में टू प्लस किया हुआ है, और वॉवेल्स में उनके बाद वाला लेटर्स लिखा हुआ है, यही काम आपको बेंच में करना है, बी ई एन सी एच, बी में दो बढ़ा दीजिए कितना डी हो जाएगा, और इसमें ई के बाद क्या आता है आई आता है, चौदह में दो बढ़ा दीजिए सोलह हो जाएगा पी, और इसमें दो बढ़ा दीजिए ई हो जाएगा, इसमें दो बढ़ा दीजिए जे हो जाएगा, यानी आपका बन गया डी आई पी ई जे, डी आई पी ई जे, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन लाता हूँ, सारे बच्चे आंसर करें जल्दी से फास्ट, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से बताएं, जल्दी से जल्दी से, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट डू इट फास्ट। चलिए लिखा हुआ है ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, डी आर आई एन ई आई एल जी, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, विधिवत तरीके से समझाने वाला हूं क्वेश्चन को, ठीक है, परेशान मत होइए, लिखा हुआ ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, इसकी जो कोडिंग किया हुआ है वो लिखा हुआ है सिप बोसकास, एस आई पी सिप
बी फूल से बॉल्स शुड कम क्रॉस। बस आप क्वेश्चन को देखते रहें, इसके बाद इसमें का जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। विधिवत तरीके से आपको सिखा दूंगा। फिर कह रहा है क्विट ड्रिंकिंग हैबिट, क्विट ड्रिंकिंग क्विट ड्रिंकिंग हैबिट। और देखिए इसके लिए जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है BOZ RAT RAT, फिर SAB, फिर नेक्स्ट कह रहा है बैड हार्मफुल हैबिट, बैड हार्मफुल बैड हार्मफुल हैबिट, इसके लिए लिखा हुआ है SAB, इसके लिए क्या लिखा हुआ है SAB, फिर लिखा हुआ है SIP, फिर लिखा हुआ CAT। आपसे पूछ रहा है बैड शब्द किसके लिए यूज किया गया, कह रहा है बैड कैसे लिखा जाएगा, बैड के लिए कोडिंग क्या है। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप ये देखोगे तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में वन साइड देखोगे, देखो पहले कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन लगभग सब में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए बैड का पूछ रहा है, तो बैड केवल और केवल यहाँ है, और तो कहीं बैड है नहीं, तो और कहीं बैड नहीं है। ये देखिए कि इस पूरी की पूरी लाइन में क्या कह दिया है, लिखा हो बैड हार्मफुल हैबिट, तो इसमें हैबिट कहीं और दिया है, नहीं दिया है, हार्मफुल दिया हुआ है। ये देखिए हार्मफुल यहाँ लिखा हुआ है और हार्मफुल यहाँ लिखा हुआ है ना। तो इसमें और इसमें केवल और केवल ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, बैड हार्मफुल हैबिट, हार्मफुल कॉमन है, इधर केवल हार्मफुल कॉमन है, तो इधर देखिए कॉमन क्या है, सिप इसमें है, ये सिप BOZ नहीं है, KAS नहीं है, इसका मतलब इधर हार्मफुल कॉमन है और इधर आपका सिप कॉमन है। तो हार्मफुल के लिए कोडिंग क्या यूज की गई है, सिप, सिप लिखा ना, हाँ SIP सिप। फिर अगर आगे की बात करूं कि हैबिट कहाँ है, तो हैबिट यहाँ है, हैबिट यहाँ है, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इधर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, SAB, सेम कॉमन था, इधर हैबिट कॉमन था, ठीक, सेब के लिए हैबिट हो गया। अब बचा क्या, बैड, और इधर क्या बचा, कैट। तो बैड के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या है, कैट, क्या यूज किया गया है, कैट। ये इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहा कि सर्दियों की एक सुबह राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली, फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं पड़ी, स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का फेस किस दिशा में था। यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा सर्दियों के मौसम में सुबह, जैसे ही मॉर्निंग की बात करें तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सूर्य कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, और अगर छाया राइट या लेफ्ट बने किसी व्यक्ति के, जो व्यक्ति है वो या तो दक्षिण दिशा में फेस किया होगा या तो उत्तर दिशा में फेस किया, बस और कहीं कर सकता है। कह रहा राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली, फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं पड़ी, अगर यहां पर फाटक हो जाता है, अगर ये फाटक है तो वो अगर इस सिचुएशन में स्टैंड होगी, यानी दक्षिण दिशा की ओर फेस करके खड़ी होगी, तो फाटक की जो छाया है उसके लेफ्ट में बन जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ है इसका लेफ्ट ये है और राइट ये है, जो व्यक्ति यहाँ है इसका राइट ये है लेफ्ट ये है, तो इस फाटक की जो छाया बनेगी वो यहाँ बनेगी,
और अगर वो राधा यहाँ पर खड़ी है तो इसका फेस उत्तर दिशा में होगा, इसका ये राइट होगा और फाटक की छाया इसके राइट होगी। तो पूछ रहा है आपसे निकलते समय राधा का फेस किस दिशा में था, तो राधा का फेस उत्तर दिशा में था, इधर था उत्तर दिशा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लाता हूं, सारे लोग रेडी हो जाए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, फास्ट डू इट, आंसर बताएं जल्दी से। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया है, एकदम आसान, सारे बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पी प्लस क्यू जो है, पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी जो है वो क्यू की बहन है। क्या है? बहन है। तो अगर प्लस है तो प्लस का मतलब ये हो रहा है कि प्लस के पहले जो है क्या है, पी है। पी क्या हो रहा है? बहन हो रहा है। किसका? प्लस के बाद में जो, तो प्लस के पहले जो है वो बहन होगा प्लस के बाद वाले, यानी कि पी बहन होगी क्यू। फिर आगे लिखा हुआ है पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की माँ है, जो पी है वो क्यू की क्या है, माँ है। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस की बात करेगा तो माइनस के पहले जो भी होगा वो जरूरी नहीं कि पी ही मिले, यहाँ पे कोई ए बी सी डी ई एफ लिखा हो तो लिखा, इसलिए बता रहा हूं कि माइनस के पहले जो रहे वो कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी हो जाए वो माइनस की बाद वाले का क्या होगा, माँ होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है पी क्यू की माँ है, तो पी है माइनस के पहले है, तो माइनस के पहले वाला माँ होगा, इसका माइनस के बाद वाले। फिर कह रहा है पी इंटू क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, जो P है वो भाई है किसका, Q का। तो इंटू का मतलब इंटू के पहले जो है वो भाई है इंटू के बाद वाले का। आपसे ये पूरा रिलेशन देकर के कह रहा किसका अर्थ है, ए डी की चाची मामी ताई फूफी बुआ मौसी है, कहने का मतलब इंग्लिश में ऑन्च ए, ठीक है। डी की चाची, अगर D यहाँ होगा, ठीक, इसके ये देखो इसका, अगर आपका D यहाँ हो जाता है, D के ये पिता हो गए और पिता की पत्नी माँ हो गई और माँ की कौन हो गई, सिस्टर, माँ की सिस्टर चाची या माँ की सिस्टर क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, और ये इसमें मौसी लिखा नहीं लिखा हुआ, तो कहने का मतलब यहाँ चाहे चाची करो चाहे बुआ बनाओ चाहे मौसी बनाओ सब एक ही, तो यही वाला रिलेशन पूछ रहा है, कह रहा है कि ए डी की चाची, अर्थात ऐसा अगर फिगर बनता है कहीं तो वही सही होता है, लेकिन इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है कि इनके इनकी पत्नी की बहन हो, इनकी भी बहन हो सकती है, जो कि बुआ की भी बात कर रहा है इनकी भी बहन हो सकती है, और किसकी बात किया चाची की, तो इनके भाई की भी वाइफ हो सकती है। तो आइए फिर इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाइड है। कह रहा ए डिवाइडेड ई, डिवाइडेड का मतलब हो रहा है कि ये है ए पी डिवाइडेड क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, अर्थात तो डिवाइड के पहले जो है वो क्या होगा, माँ होगा, तो डिवाइड के पहले ए है, ए क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी, ई की, ई उसका पुत्र या पुत्री नीचे आ जाएगी। फिर ई इंटू डी, इंटू का मतलब जो पहले है वो क्या हो जाएगा, भाई, तो ये आपका ई भाई हो गया किसका, डी, तो क्या ये इसकी चाची मामी ऐसा कुछ है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका भाई भाई के माँ, पहला तो गलत हो गया। दूसरा चेक करता हूं, कह रहा है एफ डिवाइडेड ए, एफ डिवाइडेड ए, डिवाइडेड का मतलब जो पहले है वो क्या होगा, माँ, तो एफ आपकी माँ हो गई, किसकी माँ हो गई, ए की माँ हो गई। फिर कह रहा है ए प्लस ई, प्लस का मतलब होता है जो पहले है वो बहन है, तो ए बहन हो गया किसका, ई का। फिर ई इंटू डी, इंटू का मतलब जो पहले है वो क्या होगा, भाई होगा, तो ये भाई हो गया किसका, भाई हो गया डी का, तो क्या इसमें ए डी का चाची मामी मौसी ऐसा कुछ रिलेशन निकल के आया, नहीं आया।
अगला चीज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड कह रहा है ए प्लस ई। प्लस का मतलब होता है कि जो पहले है वो क्या है, वाहन है, तो आपका ए वाहन हो जाएगी। किसकी वाहन हो जाएगी? फिर बी डिवाइडेड सी, डिवाइडेड का मतलब जो पहले है वो क्या है, माँ है, ये माँ हो जाएगी। किसकी माँ हो जाएगी? सी की। फिर कह रहा कि सी इंटू डी, इंटू का मतलब जो पहले है वो भाई है, ये भाई हो जाएगा। किसका? डी का। ये देखिए जो ए है ये डी की क्या हो रही है, ये इसकी माँ हो गई, माँ की बहन मौसी। यही सही है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कह रहा ए डी की चाची ताई बुआ फूफी मामी सब किसमें होगा, ऑप्शन सी में ए डी की मौसी हो रही है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चले बच्चों आज के सेशन का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ गया है, सारे बच्चे आंसर करें। फास्ट क्वेश्चन आपका ये है, पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। इसमें ये कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ये विवाहित व्यक्तियों को होता है, इसको भुक्त भोगी लोगों। फिर ये कह रहा है आयत नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व, आयत जो है नियोजित, नियोजित। फिर आगे लिखा हुआ है वृत्त गोल्फ खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये वृत्त गोल्फ खिलाड़ी, गोल्फ खिलाड़ी। क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है उस अक्षर का चयन करें जो अविवाहित नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो गोल्फ नहीं खेलता, गोल्फ नहीं खेलता है, जाहिर सी बात है सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए गोल्फ खेल रहा, उसको हटा देंगे सर्कल से। फिर कह रहा है अविवाहित होना चाहिए, तो विवाहित से भी हटा देंगे, तो बचा क्या, केवल एक व्यक्ति बचा, बच रहा है। ये सब विवाहित हैं, उसको चाहिए अविवाहित, ये पूरा पूरा इतना कट गया। अब कह रहा गोल्फ भी नहीं खेलना चाहिए, तो ये भी कट गया, तो बचा का केवल ही बच गया, ऑप्शन नंबर। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहा प्यारे बच्चों, तो कल मैं फिर मिलता हूँ आपके साथ एक नया सेट लेकर के। तब तक सारे बच्चे एंजॉय करो। थैंक यू।